सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सलेम। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से सीनियर सिटीजन कोटा में टिकट किस प्रकार बुक कर सकते हैं। क्योंकि इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जो कि 2 साल पहले ही बनाया था, क्योंकि 2020 और 2022 में IRCTC रेल कनेक्ट ऐप और IRCTC की वेबसाइट को काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड कर दिया गया है। तो काफ़ी सिंपल आप लोग करना क्या है, जब भी आप सीनियर सिटीजन कोटा में बुक करेंगे सबसे पहले IRCTC रेल कनेक्ट ऐप को लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद बुक टिकट पर क्लिक करेंगे, फॉर्मेट स्टेशन टू स्टेशन सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ जर्नी सेलेक्ट करना है, जिस डेट में आपको टिकट बुक करना है। इसके बाद यहाँ पर कोटा भी क्लिक करना है। यहाँ पे आप जनरल भी सेलेक्ट करके रख सकते हैं या फिर डायरेक्ट आप लोअर बर्थ भी सेलेक्ट करके रख सकते हैं, यदि आप सीनियर सिटीजन कोटा में टिकट बुक करते हैं तो। यदि आप सीनियर सिटीजन कोटा में टिकट बुक करेंगे तो आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना, यदि फीमेल है यानी कि लेडीज है तो 45 साल प्लस होना चाहिए, यदि जेंट्स है 60 साल प्लस होना चाहिए, तभी आप लोग सीनियर सिटीजन कोटा में टिकट बुक कर सकेंगे। लेकिन ये भी बता दूँ, सीनियर सिटीजन कोटा में जब भी आप टिकट बुक करेंगे जो पहले जो कंसेशन मिलता था वो कंसेशन अभी भी नहीं मिल रहा है। तो सिंपल आपको सर्च ट्रेन पे क्लिक करना है। सर्च ट्रेन पे क्लिक करने के बाद आप जिस ट्रेन में आपको टिकट बुक करना है सिंपल रिफ्रेश पे क्लिक करेंगे। आप लोगों को ये देखना है यहाँ पे इस ट्रेन में टिकट सीनियर सिटीजन में अवेलेबल है या फिर नहीं है। वैशाली में यहाँ पे नोट अवेलेबल दिखा रहे हैं, यानी कि सीनियर सिटीजन कोटा में इस टिकट अवेलेबल नहीं है। इस बार मैं सब क्रांति में ट्राई करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सब क्रांति में RT सीट अवेलेबल है। तो सिंपल आप लोगों को करना क्या है, क्लिक करेंगे, इसके बाद पैसेंजर डिटेल पे क्लिक करेंगे, इसके बाद आईग्री पे क्लिक करेंगे, कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। आप लोग चाहे तो मास्टर लिस्ट भी पहले से बना के रख सकते हैं, नहीं तो कोई नहीं, सीनियर सिटीजन कोटा में नॉर्मल भी टिकट बुक कर सकते हैं। इसके बाद ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे, जो भी पैसेंजर का नाम है पैसेंजर का नाम आपको फिल करना है। मेल है तो आपको 60 साल प्लस होगा, फीमेल है तो 45 साल प्लस होगा, जो भी आपको एज है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फीमेल पे सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद ऐड पैसेंजर पर क्लिक करेंगे। जब भी आप सीनियर सिटीजन कोटा में टिकट बुक करेंगे तो आप लोग एक साथ दो ही नाम टिकट बुक कर सकते हैं, क्योंकि सीनियर सिटीजन कोटा में यदि 3 से 4 नाम बुक करेंगे, अगर सीनियर सिटीजन कोटा में अगर यानी कि जनरल कोटा में टिकट अवेलेबल नहीं होगा तो आप लोगों को वेटिंग लिस्ट में बुक हो जाएंगे। क्योंकि काफ़ी लोग ये पूछ रहे क्योंकि काफ़ी लोग ये कमेंट करते हैं, सर मैं एक साथ सीनियर सिटीजन कोटा में 3 से 4 नाम बुक कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप लोग एक साथ 4 नाम या 3 नाम बुक नहीं कर सकते, सीनियर सिटीजन कोटा में आप लोग एक साथ 2 ही नाम टिकट बुक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ आपको मोबाइल नंबर फिल करना है। इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को बुक टिकट ओनली बट कन्फर्म अलाउ पे यहाँ क्लिक नहीं करना है। इसके बाद आप लोगों को पेमेंट मेथड सेलेक्ट करना है, इंश्योरेंस सेलेक्ट करना है, इसके बाद रिव्यू जोनी डिटेल पर क्लिक करना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं हर चीज़ सीट अवेलेबल है सब क्रांति में। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे, इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे कैप्चर फिल करना है, इसके बाद पोस्टेज टू पे क्लिक करना है, यस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद पेटीएम, इसके बाद पेमेंट मेथड पे आ चुका मैं। यहाँ पे आपको पेटीएम सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। नेट बैंकिंग यूज करते हैं, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद इजीली तरीके से आप लोग यहाँ से पेमेंट करके सीनियर सिटीजन कोटा में IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से भी टिकट बुक कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से सीनियर सिटीजन कोटा में किस प्रकार टिकट बुक कर सकते हैं। तो बस आज की वीडियो बस इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक करना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।